नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज गुरु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे वायरलेस माउस या कीबोर्ड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही वायरलेस कीबोर्ड या माउस बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सीखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। पहला तो आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा और दूसरा जो होगा वो आपके फ़ोन में ऐप के रूप में इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करिएगा, सर्च बार में वाईफाई माउस सर्वर फॉर पीसी डाउनलोड ऐसा लिख करके आप दोस्तों सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी लिंक्स चली आएंगी, तो सबसे ऊपर का ही आप चूज़ कर लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी सारे यहाँ पे सर्वर के ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी सारी साइटों पे, तो आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली कोई भी नहीं बोलूँगा कि आप ये करिएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला सेलेक्ट कर लिया है। साइट ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, तो आप सिंपली एकदम नीचे चले आइएगा, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको माउस सर्वर, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे माउस सर्वर के, जैसे डाउनलोड फॉर विंडो, डाउनलोड फॉर मैक और फलाना फलाना। तो आपको सिंपली अगर आप लैपटॉप और पीसी यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए कर लीजिए, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर दीजिएगा और ये डाउनलोड कर लीजिएगा सर्वर। तो यहाँ पे जो डाउनलोड होगा उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये जो है माउस सर्वर .exe करके डाउनलोड स्टार्टिंग हो चुका है, तो हम डाउनलोड होने देते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फाइल था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है पूरी तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन पे हमने क्लिक किया, थोड़ी देर में यहाँ पे हमको जो है कि कुछ पूछा जाएगा अलाउंस करने के लिए। ये देखिए हमसे यहाँ पे एक मैसेज चला है और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रन और डोंट रन। तो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे ताकि ये रन होने लगे। तो यहाँ पे इसको यस करना होगा और यस करने के बाद छोड़ देंगे तो यहाँ पे सिंपली ये अभी थोड़ी देर में ये हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाए। देखिए इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम इंग्लिश को रहने देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे डन या फिनिश करने का भी ऑप्शन हमको दिखने लगेगा। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आया है, नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक माउस सर्वर लिख करके यहाँ पे ऐप चलाया है या आइकन चलाया है, जहाँ पे हम इसको क्लिक करके इसको अभी रन करेंगे। तब तक के लिए हम अभी आपको बताते हैं कि मोबाइल में कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि बिना मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए ये काम नहीं करेगा। तो चलिए मोबाइल में चलते हैं। दोस्तों, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जब प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो यहाँ सर्च बार में आप सर्च करिएगा वाईफाई माउस एसटी फ्री। जी हाँ दोस्तों, वाईफाई माउस एसटी फ्री लिखने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन चले आएंगे सर्च करने पर, तो आप यहाँ से कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे पहला एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले एप्लीकेशन का आइकन आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल लिख करके आएगा, जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है आप वहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये पीसी में माउस और कीबोर्ड की तरह काम करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है कि पीसी में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था हमने, इसको हम ओपन कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे यस कर देंगे और ये बैकग्राउंड में रन होने लगेगा। और चलिए मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ, यहाँ पे भी स्कैनिंग चल रही है और यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप है वो सर्च होकर के चला आया है एप्लीकेशन में। अगर दोस्तों आपका ये सर्चिंग में नहीं पकड़ता है आपका पीसी मोबाइल ऐप में, तो आप क्या करिएगा कि आप अपने पीसी का वाईफाई ऑन कर दीजिएगा और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करिएगा, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप पर, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कनेक्ट हो गया है। अब हमारे जो पीसी है उससे हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा लिंकअप के बगल में कीबोर्ड जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो हमको पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे माउस का काम करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए
पूरा माउस का काम कर रहा है। जिस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे उस तरीके से ये काम करेगा बड़ी आसानी से। दोस्तों आप कहेंगे कि माउस का तो काम हो गया, आप कीबोर्ड का किस तरीके से काम होगा, तो उसके बगल में ये एक ऑप्शन है, उस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए हमारा माउस का और कीबोर्ड दोनों एक साथ काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माउस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च बार में हम चले आए और यहाँ पे सिंपली हम अपना नाम ही सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं और यहाँ से माउस की तरह काम कर सकते हैं। और एक बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन चाहते हैं कि नीचे करें इसको, तो यहाँ से सिंपली दो बटन से दो उंगलियों से आप क्लिक करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो सारा काम यहाँ से हो जा रहा है, एक तरीके से ये कीबोर्ड और माउस दोनों तरीके का काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने मोबाइल को कीबोर्ड या माउस बना सकते हैं। अगर दोस्तों आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और से अधिक लोग इसको जान पाए।